हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इन एपी गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एसेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को दिया हुआ है ए दिया हुआ है, उसका डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को एन निकालना है और टर्म का सम निकालना है। ठीक है, एस एन निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को एन निकालना है। ठीक है, एन निकालने के लिए हम लोग को ए एन दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला, एज यू नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और हम लोग को क्या क्या पता है। हम लोग को ए एन पता है कि ये 50 है। ठीक है, ए पता है हम लोग को कि 5 है, प्लस एन हम लोग को नहीं पता है, एन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनस वन इंटू डी। डी क्या पता है हम लोग को, डी 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए निकालते हैं। 50 इक्वल टू 5 प्लस 3 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एन, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 3 को इस साइड लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 50। ठीक है, इक्वल टू के इधर 50 है। अब देखिए 5 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2। ठीक है, और 2 2 अगर प्लस में इधर है तो फिर इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 50 में से -2 करेंगे तो अब एन इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, एन इक्वल टू मिल गया 48 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8। ठीक है, यानी कि एन हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया, एन हम लोग का फाइंड आउट हो गया है 16। ठीक है, अब आइए हम लोग को क्या निकालना है। अब हम लोग को निकालना है एसिन निकालना है। ठीक है, तो एसिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, एसिन इक्वल टू क्या होता है, एसिन इक्वल टू होता है n/2 (2a) प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एसन निकालने का। इसी पे पुट करके बाकी के वैल्यू को इसी पे पुट करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हम लोग को निकालना है एसन। ठीक है, तो एन हम लोग को कितना फाइंड हुआ है, 16, यानी कि s16 हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, अब एन कितना है, n/2, यानी कि एन कितना है, 16 आया है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ए। ए कितना है, ए हम लोग का 5 दिया हुआ है। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन, यानी 16 - 1 इंटू डी। डी कितना है, डी 3 है। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। 2 8 जा 16। ठीक है, तो 8, 5 2 जा 10 प्लस 16 - 1 15, 15 3 जा 45। ठीक है, 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है। अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 इंटू इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 40 और 4 44। ठीक है, एस एन हम लोग का आ गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, और ये एन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए आइए अब हम लोग इसके पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट वन का ये हो गया, पार्ट टू में चलते हैं। ठीक है, पार्ट टू में क्या दिया हुआ है? हम लोग को ए दिया हुआ है, ए 13 दिया है। इसका मतलब एन क्या है? एन हम लोग का क्या है? एन है 13। ठीक है, तो ए 13 दिया हुआ है, हम लोग को डी फाइंड करना है और क्या करना है? एस एन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आइए फाइंड करते हैं। तो डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए 13 दिया हुआ है तो ए 13, ठीक है, इक्वल टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी हम लोग को नहीं पता है, ए 13 पता है, क्या है? 35। ठीक है, ए हम लोग को पता है कि 7 है, प्लस एन हम लोग को पता है कि 13 है। ठीक है, माइनस वन, क्योंकि एन 13 दिया, ए 13 दिया हुआ तो एन इक्वल टू 13 ही होगा, इंटू डी। ठीक है, अब देखिए 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डी। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 12 डी इक्वल टू लिख सकते हैं 35 माइनस 7, क्योंकि ये 7 जो है इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 डी इक्वल टू 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब डी देखिए, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाई 12, 4 से इसको करेंगे तो 4 3 12, 4 7 28। ठीक है, डी हम लोग का क्या आ रहा है? 7/3 आ रहा है डी। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोग को फाइंड करना है एस एन। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं एस एन का फॉर्मूला हम लोग? एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही होता है एस एन का फॉर्मूला। हम लोग को क्या निकालना है? एस 13 निकालना है। ठीक है, तो एस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है? 7 है, प्लस एन कितना है? 13-1 इंटू डी। ठीक है, डी कितना आया? 7/3 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13/2 इंटू 7 × 14, ठीक है, प्लस ये 13-1 12 इंटू 7/3। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 13/2 इंटू 14 और 7 4 28, ठीक है, 14 प्लस 7 4 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे सॉल्व कीजिए, 13/2 इंटू इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 4 12, और 2 और 1 3, और 1 4 42। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 21 टाइम्स में जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 13 के 3, हाथ में 1, 13 दूना 26 और 1 27, यानी 273 इसका सम आ गया। ठीक है, 13 टर्म का ये हो गया आंसर।
ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, पार्ट 3 में। ठीक है, 3 में देखिए हम लोग को गिवन है, हम लोग को गिवन है A12 गिवन है, D गिवन है, हम लोग को A फाइंड करना है और H12 फाइंड करना है। ठीक है, तो A12 दिया हुआ है तो उससे हम लोग A फाइंड कर सकते हैं। तो An का फॉर्मूला क्या होता है, An का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन यानी 12। ठीक है, 12 टर्म है तो 12 टर्म कितना दिया हुआ, 37 दिया हुआ है, तो एन हम लोग 37 लिख देंगे। इक्वल टू ए हम लोग को फाइंड आउट करना है प्लस एन कितना है, 12 टर्म है तो एन 12 हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 3 है। ठीक है, 37 ए प्लस 12 माइनस वन 11, 11 थ्री जा 33। ओके, अब देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू किधर जाएगा तो 33। तो ए इक्वल टू हम लोग को क्या फाइंड हो गया, 37 में 33 फाइंड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हम लोग को 4 आ गया, ये हो गया आंसर, ए फाइंड हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है A12। ठीक है, A12 फाइंड करना है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। अब आइए इसको, इसमें सारी वैल्यू को पुट करके हम लोग इसका सम निकालते हैं। ठीक है, एस कितना हम लोग को निकालना है, एस 12 निकालना है। ठीक है, इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए कितना आया, 4 आया, प्लस एन कितना है, 12 टर्म है तो 12 हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3 है। ठीक है, अब 2 6 12। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया इंटू 4 2 8 प्लस 12 माइनस वन 11, 11 थ्री जा 33। ठीक है, अब देखिए 6 इंटू 8 और 33 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 और 3 और 1 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, यानी कि हम लोग का 246 इसका 12 टर्म का सम आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग को गिवन है A3 दिया हुआ 15, S10 दिया हुआ है 125, हम लोग को फाइंड आउट करना है D एंड A10। ठीक है, A3 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D, ये भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता है। ठीक है, तो A+2D इक्वल टू A3 क्या दिया हुआ 15। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब SN देखते हैं, S10 देखते हैं। ठीक है, S10 क्या होगा, अब S10 पे आते हैं। ठीक है, S10 हम लोग को दिया हुआ है 125। ठीक है, अब देखिए S10 का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/2 SN का फॉर्मूला से लिख सकते हैं। ठीक है, 10/2 इंटू 2A प्लस
टेन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 into 2a प्लस 10 और 1 9d, ठीक है, इक्वल टू 125। इस 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10a प्लस 9 5 45 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास क्या आता है वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग 10 में इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10a आएगा, ठीक है, प्लस 10 2 जा 20d, ठीक है, 10 2 जा 20d, ठीक है, इक्वल टू 10 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में से, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है। इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये आ गया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये है तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, ठीक है। तो 10a प्लस 45d इक्वल टू 125, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल हो गया, प्लस माइनस, प्लस 20 और माइनस 45, ठीक है। 45 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 225 आ जाएगा। बड़ा क्या है, माइनस है, तो बड़ा क्या है 45, और इसका साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये डी, ठीक है, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 25 आ गया, ठीक है, -25d, ठीक है, इक्वल टू 25, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 बाय -25, ठीक है, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। हम लोग को d फाइंड आउट हो गया -1, अब हम लोग को a नहीं दिया हुआ है, a फाइंड आउट करना होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1 इनटू इक्वेशन 1, ठीक है, तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 2d, ठीक है, इक्वल टू 15, यही है, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया है, -1 इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 15, और ये 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 15।
टू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को फाइंड क्या हो गया, ए इक्वल टू 15 to 17, ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग को डी फाइंड हो गया है, ए फाइंड हो गया है, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है 18, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए क्या फाइंड आउट हुआ हम लोग को, देखिए पहले वाले पेज में ए हम लोग को 50, ए हम लोग को क्या आया था, 17 आया था, और डी हम लोग का माइनस वन आया था, ठीक है। तो ए हम लोग का कितना आया था, 17 आया, प्लस एन कितना है, 10 निकालना है, तो 10 माइनस वन इंटू डी कितना आया, माइनस वन आया, ठीक है। इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस वन 9, 9 वन जा 9, तो माइनस 9, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8n कितना आ गया, 8 आ गया, समझ गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। डी दिया हुआ है, एस नाइन दिया हुआ है, ए और ए नाइन हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को एस नाइन दिया हुआ है, 25, ठीक है। एस नाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 9/2। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग एस नाइन का निकालेंगे, तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यानी डी कितना दिया हुआ है, डी हम लोग को 5 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 75, ठीक है। अब देखिए 9/2 इंटू 2a प्लस और कितना हो जाएगा, 9 माइनस वन 8, 8 5 जा 40, ठीक है, इक्वल टू 75। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, ठीक है, 2 से 45 कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स होगा, ठीक है, 2 से 45 करेंगे तो 20 टाइम्स होगा, और 20 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 75। अब यहाँ देखिए 9a इक्वल टू 75, ये प्लस में है, ठीक है, और तो इधर चल जाएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा, ठीक। अब 9a इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 1, ठीक है, लेकिन बड़ा क्या है, 180 है, तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है, तो माइनस 105। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 105 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तीन त्रिकुनो 3 5 15, ए इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 35/3 आया, ए इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग को ए नाइन निकालना है, ए नाइन, ठीक है,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए कितना है, माइनस 35/3 प्लस 9-1 इंटू डी कितना आया, 5 आया, ठीक है। इक्वल टू -35/3 प्लस 8×5=40, ठीक है। ऐड करेंगे 3 आ जाएगा एलसीएम, -35 प्लस 4×3=12, ठीक है, 120। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा 1 तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया S9, ठीक है, आंसर समझ गए। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए आज 5 पार्ट तक ही हम लोग करते हैं, नेक्स्ट 5 पार्ट हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।